हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू कैरियर पॉइंट। आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, जिनकी कंपोजिशन बदल सकती है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो चीज़ जो कम मात्रा में मिलेगी और सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होगा। मान लो एक ग्लास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी के घोले, तो चीनी यहाँ पे सॉल्यूट है और पानी आपका सॉल्वेंट। अब ऐसे ही इसके कुछ टर्म्स की बात कर रही हूँ मैं। कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कितनी अमाउंट आपने सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में घोल दी, वो है उसकी कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा पानी में चीनी घोलते जाओगे, उतनी उसकी कंसंट्रेशन है जो वो बढ़ती जाएगी। मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास या वॉल्यूम किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में कितना है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास या वॉल्यूम उस सॉल्यूशन का कितना है, वो आपको बताता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। यूनिट होते हैं इसके ग्राम पर लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना है, वो बताता है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। मोलैरिटी, कैपिटल एम से हम इसे डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये बताता है आपका मोलैरिटी। या स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये चीज़ आपको मोलैरिटी बताती है। फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मेलिटी एफ। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी एन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी से क्या रिश्ता है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोल मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अगर आपने एसिड की नॉर्मेलिटी निकालनी है तो वो होता है मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, और अगर नॉर्मेलिटी ऑफ बेस देखना है तो वो होता है मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कॉन्स्टेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मान लो आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, तो एक कंपोनेंट का अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसी कंपोनेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का सम। सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट के निकलेंगे तो उस केस में नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 के ऊपर रहेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। मास फ्रैक्शन, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अब मास की बात करेंगे, ए कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, बी कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो दोनों से मास फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स ppm, तो ए का मास कितना है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का कितना मास है इनटू 10^6, वो होगा आपका पार्ट्स पर मिलियन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की जो न्यूमेरिकल में बड़े हेल्पफुल हैं। n1v1 इक्वल टू n2v2, सेकेंड वन m1v1 अपॉन n1 इक्वल टू m2v2 अपॉन n2, थर्ड फॉर्मूला m इक्वल टू स्मॉल m d अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 1000। यहाँ पे d आपका डेंसिटी है, m2 आपका मोलैरिटी है डिल्यूटेड सॉल्यूशन की, और ये स्मॉल m मोलैरिटी होता है, n1 n2 नॉर्मेलिटीज होती हैं दोनों कंपोनेंट की, वॉल्यूम होते हैं, m मोलैरिटी होता है। m इक्वल टू 1000 d x2 अपॉन x1 m1 प्लस x2 m2, ये एब्रीवेशन पीछे हम फॉर्मूले में सारी कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड के सॉल्यूशन, उसके लिए हमें पहले सॉल्युबिलिटी का पता होना चाहिए
कितनी अमाउंट मैक्सिमम सॉल्यूट की ग्राम्स में घुल सकती है 100 ग्राम सॉल्वेंट में ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल सके, वो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी। डिसॉल्यूशन सॉल्यूट आप घोलते जा रहे हो, मान लो चीनी घोलते जा रहे हो पानी में, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है सॉल्यूशन की, तो इस प्रोसेस को हम डिसॉल्यूशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्यूट पार्टिकल सरफेस के ऊपर सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल से टकरा रहे हैं और सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो रहे हैं, तो दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब और सॉल्यूट आप नहीं घोल सकते, चीनी एक हद तक घुलेगी, कुछ हद के बाद वो घुलना बंद हो जाएगी, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस केस में रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, उस पॉइंट को सैचुरेटेड पॉइंट भी बोलते हैं। अब सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करती है, जैसे कि सॉल्यूट की नेचर किस तरह की है, सॉल्वेंट कैसा है, लाइक डिजॉल्व लाइक जैसे प्रॉपर्टी हो सकता है फॉलो करे। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली अगर बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने से, तो हो सकता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में। सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ने से, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जैसे हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर असर ही नहीं होता टेम्परेचर का, ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, जैसे हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब एक फॉर्म सब्सटेंस की दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, उस तापमान को, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब लिक्विड में गैसियस का सॉल्यूशन, इसमें आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल लेके चल रहे हो माइंड में, तो सॉल्युबिलिटी समझो क्या होता है। सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में वो गैस का वॉल्यूम होगा जो यूनिट वॉल्यूम लिक्विड में घुल गया, डिसॉल्व हो गया, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। तो कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी गैस को अफेक्ट करते हैं, गैस और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ती जाएगी ड्यू टू रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। टेम्परेचर का इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर के केस में जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस डिसॉल्व ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी, वो हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है कि गैस का मास जो डिसॉल्व हो रहा है आपके गिवन वॉल्यूम में लिक्विड में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो गैस का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर होगा। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, सो डायरेक्टली को हटाओगे तो के एच हेनरी कांस्टेंट आपका आ जाएगा। यहाँ पे एम है जो वो गैस का मास है जो सॉल्वेंट में घुल चुकी है, और पी आपका गैस का प्रेशर है इक्विलिब्रियम में सॉल्वेंट के साथ, और के एच आपका हेनरी कांस्टेंट। हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो प्रेशर होगा गैस का इक्विलिब्रियम पे, डायरेक्टली को हटाएंगे तो के एच हेनरी कांस्टेंट आएगा। इसी को दूसरी टर्म में आप पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में बयान कर सकते हो कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का है वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के उसी गैस का सॉल्यूशन में। तो के एच यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, जैसे ही सॉल्युबिलिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ने से, मीन्स के एच बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, प्रेशर सेम हो, राइट। इसी कंसेप्ट के बेसिस एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, वो करना और कमेंट्स में उसका आंसर जरूर देना। इन विच वाटर कोल्ड और अ वार्म एक्वेटिक लाइफ फील बेटर एंड वाई। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। एक तो ये सिर्फ लो प्रेशर पे काम करता है और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ गैस का कोई कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। हेनरी के लॉ की एप्लीकेशन कहाँ पे है,
कार्बोनेटेड बिवरेजेस जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनती हैं उसमें यूज़ होता है, डी सी डाइविंग में, लंग्स के फंक्शन इस पे काम करते हैं, और क्लाइंबर के लिए या जो लोग हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके लिए ये हेनरी लॉ एप्लीकेबल रहता है। वेपर प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो होता है आपका वेपर प्रेशर। तो जो इक्विलिब्रियम पे लिक्विड के साथ या सॉल्यूशन के साथ वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, वो होता है आपका वेपर प्रेशर। रॉल्ट लॉ, किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कंपोनेंट का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई उसी का वेपर प्रेशर। तो पी ए इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्योर, तो ये आपका प्योर कंपोनेंट का होगा और ये आपका पार्शियल प्रेशर होगा वेपर प्रेशर। तो सिमिलरली बी कंपोनेंट का पी बी इक्वल टू एक्स बी पी बी नॉट। इस ग्राफ से आपको दिखाया गया है ये बाइनरी कंपोनेंट के लिए है, एक कंपोनेंट की कंपोजिशन यहां मैक्सिमम है दूसरे की जीरो, जिसकी मैक्सिमम है वो कम होती जा रही है और जिसकी जीरो थी उसकी मैक्सिमम होती जा रही है। तो ये मोल फ्रैक्शन बी के हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं और ए के डिक्रीज हो रहे हैं। इधर आपका वेपर प्रेशर शो किया हुआ है। अगर दो लिक्विड पूरी तरह मिसिबल नहीं है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, दोनों कांस्टेंट वोलेटाइल होने चाहिए, वेपर उनसे अबव है जो उसमें दोनों कंपोनेंट का होना जरूरी है। लिक्विड पेयर रॉल्ट लॉ को फॉलो करें जिसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। कंपोजिशन होगी जो वेपर फेज की इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन के साथ, उसे हम पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन के ओवर होगा वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है जैसे ही मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट के इंक्रीज होंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन होंगे उसके बराबर होंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की अगर बात करते हैं। तो यहां बात करें आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, एक तो वो रॉल्ट लॉ ओबे करेगा, जब मिक्स कर दिया गया तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम चेंज जीरो होगा और एंथैल्पी चेंज भी मिक्सिंग के टाइम जीरो होगी। प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, बट जब कंसंट्रेशन सॉल्यूट की हम बहुत कम लेके चलते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम आइडियल मान लेते हैं कि ये आइडियली बिहेव करेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ नहीं ओबे करेंगे और जिनकी मिक्सिंग टाइम डेल्टा वी जीरो नहीं होगी और डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब उसकी ग्राफिकली भी डेविएशन होगी। वैसे इस तरह होना चाहिए था ग्राफ ये डॉटेड लाइन से, बट ये डेविएट हो रहा है उन लाइन से। तो ये ऊपर की तरफ है तीनों में, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच डेल्टा वी दोनों मिक्सिंग टाइम पॉजिटिव हैं, और इस तरफ नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव शो करेंगे। तो इसमें पी ए ग्रेटर देन होगा मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर कंपोनेंट फ्रैक्शन और इस तरफ लेस देन होगा दोनों कंपोनेंट के लिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पे सॉल्यूट के जो घुल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चारों हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मान के चलते हैं। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ऑस्मोसिस में
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है, डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो करता है, इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों फ्लो करते हैं। ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन फ्लो होता है सॉल्वेंट का, और इसमें हाई टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस अप्लाई करते हैं सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए, और डिफ्यूजन गैसेस के लिए भी होता है और सॉल्यूशंस के लिए भी। ऑस्मोसिस हम रोक सकते हैं अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर दें हाई कंसंट्रेशन के साथ। डिफ्यूजन आप नहीं रोक सकते, ना ही उसे रिवर्स कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कॉलम सेटअप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है किसी कॉलम का, ऑस्मोसिस के बाद जो प्रेशर आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम एक्सेस प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन के ऊपर लगता है ताकि सॉल्वेंट की सॉल्यूशन में एंट्री ना हो सके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पाई इक्वल टू सी आर टी, ये उसका फॉर्मूला है। पाई हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लगाते हैं, सी मोलर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, आर कांस्टेंट एंड टी फॉर टेम्परेचर। जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है सेम टेम्परेचर के ऊपर, उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। तो वेपर प्रेशर एक तरफ रखा, दूसरी तरफ टेम्परेचर रखा, तो ग्राफ बनाया ए टू बी, ये सॉल्वेंट का है, सी टू डी ये सॉल्यूशन का है। तो इनके बीच में जो एलिवेशन आई है आपकी, ये डेल्टा टी बी, ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसकी डॉटेड लाइन ड्रा कर रहे हो। तो फॉर्मूला देखा जाए, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, स्मॉल एम मोलैलिटी है, और डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोलिगेटिव जो है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड एंड लिक्विड हैं जो सब्सटेंस के इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। वेपर प्रेशर एक तरफ रखा, टेम्परेचर दूसरी तरफ रखा, आपने ग्राफ में देखा ये सॉल्यूशन की कर्व आएगी आपके पास, ये सॉलिड फ्रोजन सॉल्वेंट की, और यहाँ से वो लिक्विड में चेंज हुआ क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा तो वो पिघलना शुरू कर दिया। तो डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम मोलैलिटी। तो फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। जो ये है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए ये एप्लीकेबल है, मेल्टिंग ऑफ आइस जो रोड पे होती है उसके लिए भी इसको यूज करते हैं। एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, व्हेन मॉलिकुलर मास सब्सटेंस का हम देखते हैं कोई भी उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करके, दैट कम आउट टू बी डिफरेंट देन थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो सब्सटेंस को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। मतलब कि सब्सटेंस का मॉलिकुलर मास है जो, वो स्टडी के दौरान उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कुछ और आया और थ्योरेटिकली कुछ और था, तो वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये कब देखते हैं हम, जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा, सॉल्यूशन की डिसोसिएशन हो रही है या एसोसिएशन हो रही है। वेंट्सहॉफ फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, आई से डिनोट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिवाइडेड बाय जो कैलकुलेट वैल्यू होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जब सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करेगा, तो इन दोनों की डिवीजन है जो वो वेंट्सहॉफ फैक्टर होगा। आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेम प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास।
एम सी अपॉन एम नॉट। डिग्री ऑफ डेसोसिएशन अल्फा से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल डेसोसिएटेड कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितने लिए गए, तो अल्फा इक्वल टू एम सी माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट इंटू एन माइनस वन। इसी तरीके से डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है अल्फा, नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, तो अल्फा इक्वल टू एम नॉट माइनस एम सी अपॉन एम नॉट इंटू एन अपॉन एन माइनस वन। तो ये थे ब्रीफ नोट्स चैप्टर टू सॉल्यूशन के, आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्योंकि इसमें पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था पूरे चैप्टर का। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास पहुँचें और आप उनसे नॉलेज गेन कर सको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।